हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्डप्रेस एसईओ प्लगइन के बारे में। दोस्तों, ये वर्डप्रेस प्लगइन है रैंक मैथ का, जो कि काफ़ी पॉपुलर प्लगइन हुआ है पिछले कुछ महीनों में, और इसको मैंने भी यूज़ किया है। एंड इसी के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे तीन टॉपिक्स। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, इसमें फीचर्स क्या क्या है, और इसको किस तरह से आप यूज़ करें आपके ब्लॉग पर और आपकी वेबसाइट पर। दोस्तों, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि वर्डप्रेस के अंदर रैंक मैथ एसईओ प्लगइन को आप कैसे इंस्टॉल करें और उसके क्या फीचर है। एक बहुत ही बेसिक वीडियो है जो 5 मिनट के अंदर मैंने फिनिश किया है। आप चाहिए कि इसको कैसे इंस्टॉल करें वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर भी मैं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में थोड़ा सा दे देता हूँ कि प्लगइन इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट चला रहे तब। तो दोस्तों, ये है wordpress.org। यहाँ पर हमने प्लगइन्स के अंदर सिर्फ एसईओ प्लगइन सर्च किया है, और एसईओ प्लगइन सर्च करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिला है वो है वर्डप्रेस एसईओ प्लगइन रैंक मैथ, और दूसरा है योस्ट एसईओ। नो डाउट योस्ट जो है वो काफ़ी पॉपुलर और बहुत ही अच्छा प्लगइन है, बट उसको कंपटीशन देने के लिए रैंक मैथ ने पिछले कुछ महीनों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ा सा कंपैरिजन का कि रैंक मैथ का जो टोटल नंबर ऑफ डाउनलोड है वो 5 मिलियन है, यानी 5 मिलियन से भी ज़्यादा, 50 लाख से ज़्यादा, और रैंक मैथ जो है वो 2 लाख ही अभी तक डाउनलोड हुआ है। नो डाउट प्रेयोस जो है काफ़ी पुराना है और रैंक मैथ काफ़ी नया है, लोग जल्दी अपना प्लगइन्स को स्विच नहीं करते हैं, बट मैंने ट्राई किया था और मुझे उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा वीडियो के रैंक मैथ में क्या क्या फीचर्स हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मेरा क्वेश्चन का आंसर देना है कि आपका फेवरेट प्लगइन कौन सा है, योस्ट एसईओ या रैंक मैथ या एनी अदर। और दूसरा क्वेश्चन है कि आपको कमेंट्स करना है क्या रैंक मैथ एसईओ प्लगइन योस्ट को ओवरटेक कर पाएगा नंबर ऑफ डाउनलोड में। तो दोस्तों, ये रैंक मैथ का ऑफिशियल वेबसाइट rankmath.com वर्डप्रेस प्लगइन, और यहाँ पर इनके ये फीचर्स हैं। अगर हम फीचर्स पे देखें तो इनके प्लैरिटी ऑफ फीचर्स है। मैं कुछ बेसिक फीचर्स की बात करूंगा कि इजी ऑफ फॉलो सेटअप, ये तो सभी लोग लिखते हैं, क्लीन एंड सिंपल यूजर इंटरफेस, ये भी सभी लोग लिखते हैं, गूगल वेब मास्टर टूल्स, सेंट्रल इंटीग्रेशन, ये इनका प्रोसेसिंग में चल रहा है। जो आपका वेब मास्टर टूल्स का फीचर्स है वो अभी ये प्लगइन में ही इंटीग्रेट कर देंगे, तो आपको सारी चीज़ें प्लगइन में से ही देखेंगे। कीवर्ड कंपेरिजन, गूगल ट्रेंड, ये भी इनका कमिंग सून आने वाला फीचर्स है। एंड क्राउलिंग एरर, ये ऑलरेडी इनबिल्ड है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल प्लगइन है। एंड ऑटोमेटिक इमेज एसईओ, इसके लिए मोस्टली क्या योस्ट वालों को एक अलग से प्लगइन यूज़ करना पड़ता था, बट ये फीचर उन्होंने इनबिल्ड प्लगइन के अंदर दिया है कि अगर आप इसको ऑन करेंगे तो आप इमेज का अल्ट टैग जो है या टाइटल टैग है वो ऑटोमेटिकली उस कीवर्ड को पकड़ लेगा। XML भी सभी लोग देते हैं। एंड रिच रिजल्ट स्निप सपोर्ट, तो ये भी योस्ट के अंदर है कि आपका किस तरह से गूगल पर दिखेगा। आर्टिकल स्कीमा, ये योस्ट के अंदर नहीं था पहले, और ये इन्होंने अलग से एक्स्ट्रा प्लगइन इनबिल्ट दिया है रैंक मैथ के अंदर, तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है इनके पास। प्रोडक्ट स्कीमा है, साथ में रेसिपी स्कीमा है, इवेंट स्कीमा है, वीडियो स्कीमा है, तो लोकल बिजनेस स्कीमा है। लोकल बिजनेस के लिए योस्ट के पास सेपरेट प्लगइन आपको परचेस करना पड़ता था प्रीमियम में, और यहाँ पर ये प्लगइन्स के अंदर लोकल बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सबसे बड़ा मेजर एडवांटेज जो है रैंक मैथ जो है वो फ्री है, और ये डिक्लेयर करते हैं कि ये आगे भी रैंक मैथ फ्री रहेगा। और योस्ट जो है वो ये पेड प्लगइन है, और प्रीमियम में आप जाते हैं तो आपको पे करना पड़ता है। गूगल न्यूज़ के लिए साइट मैप, ये कमिंग सून इनका नियरेस्ट फीचर है। एंड वीडियो साइट मैप के लिए पिंग सर्च इंजन जो है ये भी इन्होंने एक फीचर दिया है, एक्सेलेंट कोड क्वालिटी, तो इसका यूजर से मतलब नहीं है। और एसईओ एनालिसिस टूल बेस्ड ऑन 40 फैक्टर्स, ये भी इनबिल्ड है, आप वेबसाइट के पेज को चेक कर सकते हैं अपनी साइट में कि क्या कमी है, क्या आपको इम्प्रूव करना है, तो आपको किसी दूसरी साइट पर ये टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपके डैशबोर्ड के अंदर ही सब मिल जाएगा। लोकल एसईओ के लिए भी इन्होंने ये फीचर्स यहाँ पर दिया हुआ है। सो शॉर्ट कोड डिस्प्ले कर सकते हैं आपका एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड रेटिंग वगैरह। लिंक बिल्डिंग के लिए भी इन्होंने फीचर्स में डेवलपमेंट चालू है, और इनका जो डेवलपमेंट आता है वो वेरी फ्रिक्वेंटली एवरी मंथ में 2-3 डेवलपमेंट आ ही जाते हैं, प्लगइन को आपको अपडेट करना ही रहेगा, तो इनका डेवलपमेंट बहुत फास्ट है। और 2 लाख का जो इनका
डाउनलोड सेक्शन है, नंबर ऑफ डाउनलोड, एक्टिव डाउनलोड जो 2 लाख है, वो किसी भी प्लगइन के लिए इतना आसान नहीं होता। तो ये बेसिक फीचर्स हैं यहाँ पर जो उन्होंने दिए हुए हैं। ब्रेड क्रम्ब फीचर है, 404 मॉनिटरिंग है, और काफ़ी सारे पैनल है। अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो आपको वीडियो बहुत बड़ा होता चला जाएगा। तो अभी हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स देखने के बाद साथ साथ में मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने 6 महीने पहले ये जो वीडियो बनाया था, कि 5 मंथ्स पहले, और 5 मंथ्स के बाद मैंने वेबसाइट पे क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये जो है इम्प्रूवमेंट लाइव है, आप देखेंगे तो मेरे ब्लॉग के ऊपर, जो कि ब्लॉग मेरा बिल्कुल डेड था, उस पर विजिटर नहीं आ रहे थे, मैं कुछ काम भी नहीं कर रहा था। फिर अचानक एक दिन मुझे ये प्लगइन दिखा और मैंने उस प्लगइन को देखा, तो मैंने उसको यूटिलाइज किया। अभी मैं आपको इसको 6 मंथ का, मैं इसको ग्राफ दिखा देता हूँ। ये 3 मंथ्स का ग्राफ है इसमें। सो 6 मंथ में आप समझ जाएंगे कि पहले कितना ट्रैफिक था और कितना कीवर्ड्स रैंकिंग में थे, और अभी कितना कीवर्ड्स रैंकिंग में है। तो ये देखिए, ये लाइव ग्राफ है 6 मंथ का, जो पहले विजिटर्स की क्वांटिटी थी वो इस हिसाब से थी, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 5, और रैंक मैंथ इंस्टॉल करने के बाद जो विजिटर्स का इंक्रीमेंट दिखाया है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक दिन का जो ट्रैफिक है या इम्प्रेशंस है, वो 168 क्लिक और 9,000 के अप्रोक्सीमेट इम्प्रेशन मुझे मिलना शुरू हो गए हैं, ये रैंक मैथ प्लगइन के बाद। तो दोस्तों, ये तो आपको ग्राफ दिखा दिया, आप रैंक मैथ यूज करिए। और इसी के साथ में मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि रैंक मैथ को इंटरनल पार्ट कैसा रहता है और कैसे उसको यूज करते हैं, क्या क्या उसके बेनिफिट्स रहेंगे। सो ये है मेरे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, जहाँ पर मेरे ऑल पोस्ट हैं, और यहाँ पर मैंने रिसेंटली जो 2 पोस्ट अपलोड किए हैं, मैं आपको उसको एडिट करके दिखा देता हूँ। ये एक पोस्ट है, सेविन बेस्ट यूट्यूब अल्टरनेटिव साइट्स बाई रैंक। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये रैंक मैथ किस तरह से वर्क करता है, और आपको रैंक मैथ इंस्टॉल करने के बाद कैसे वर्क करना है। तो डायरेक्टली मैं आपको वो पोस्ट दिखा रहा हूँ, ताकि वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा ना हो। और यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से ये स्कोरिंग सिस्टम इनका वर्क करता है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर रैंक मैथ का एक ऑप्शन शुरू हो जाता है, रैंक मैथ SEO, और यहाँ पर इनका ऑप्शन है जर्नल एडवांस स्कीमा एंड सोशल। और ये प्रीव्यू जो है, ये गूगल में किस तरह से आपका साइट दिखेगा, और यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। और एडिट करने के बाद आपका जो है फोकस कीवर्ड्स क्या है, फोकस कीवर्ड्स में इनका एक सबसे अच्छा ऑप्शन जो मुझे दिखा, वो है कि ये ऑटो सजेस्ट, गूगल का जो ऑटो सजेशन टूल है वो यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। सो जस्ट लाइक अगर मैं यूट्यूब स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर टाइप करना, सो ये देखिए यूट्यूब टू MP3, ये जो गूगल में ऑटो सजेस्ट आते हैं वो यहाँ पर ये ऑप्शन दे देता है। तो ये आप देखेंगे यूट्यूब अल्टरनेटिव साइट ऐप म्यूजिक, ये गूगल का ऑटो सजेस्ट टूल है, तो आपको कीवर्ड रिसर्च पे भी इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एंड उसके बाद में अगर आप स्प्लिट को आप एडिट करना है, तो एडिट स्प्लिट का ऑप्शन आता है, और जिस तरह से साइट आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो आपको टाइटल है वो दे सकते हैं, टाइटल के शॉर्ट कोड भी यहाँ पर इन्होंने दिए हुए हैं, वो आप शॉर्ट कोड सर्च कर सकते हैं, काफ़ी सारे शॉर्ट कोड्स यहाँ पर हैं। तो सिमिलर योस्ट के ही फीचर्स इसमें हैं, एंड बट योस्ट से ज़्यादा ये चीज़ों को देते। इसके बाद आपका URL कैसा है, URL मॉडिफिकेशन करना है, या फिर आपको आपका डिस्क्रिप्शन मॉडिफिकेशन करना है, और डिस्क्रिप्शन में भी ये टोटल लिमिट्स भी दिखा देते हैं कि कितने करेक्टर्स है, जो कि योस्ट ने अभी हटा दिया है। वहाँ पर वो नंबर्स में नहीं दिखाते हैं, बट एस्टिमेट उनका एक बार चलता है, उसके हिसाब से दिखाते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन है पोस्ट, दिस पोस्ट इज द पिलर कंटेंट, मीन्स आपका ये मेन पोस्ट है जिसको आप टाइप करेंगे। और उसके बाद ये कुछ सजेशन दिए होते हैं, यूजिंग फोकस कीवर्ड इन SEO टाइटल, ये सब जो ऑन पेज के जो फीचर्स हैं वो यहाँ पर कवर किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में है, URL है, अपियर इन फर्स्ट 10% ऑफ कंटेंट में आपका कीवर्ड आ रहा है, और वर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स कितना है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है URL के करेक्टर से। सो ये सारी चीज़ें अगर आप फोकस करके अपने SEO करेंगे या उस कीवर्ड को टारगेट करेंगे, तो डेफिनेटली ये कीवर्ड्स आपका रैंक हो जाएगा। एंड उसके अलावा भी बहुत सारे ऑफ पेज फैक्टर्स भी रहते हैं, वो भी है यहाँ पर। देखिए रीडेबिलिटी स्कोर भी यहाँ पर इन्होंने दिया है, पावर वर्ड है आपके उसमें, नंबर्स है या नहीं है, टेबल ऑफ कंटेंट्स के साथ में ये प्लगइन्स इन्होंने सजेस्ट किया है कि आप टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ करें। तो ये कुछ प्लगइन्स हैं, कुछ फीचर्स हैं जो रैंक मैथ में योस्ट से ज़्यादा अच्छे मुझे लगे। और अगर मैं इसी कीवर्ड्स को जो मैंने यहाँ पर टारगेट किया है, मैं इसको कम्प्लीटली एक कीवर्ड्स मैंने टारगेट किया है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यूट्यूब अल्टरनेट
साइट। ये कीवर्ड्स है जो मैंने इसमें फोकस कीवर्ड में नहीं लिया था। फोकस कीवर्ड मेरा यूट्यूब अल्टरनेटिव था, बट ताकि ये कीवर्ड्स काफ़ी छोटा है, शॉर्ट है, एंड मेरे ये कीवर्ड्स मैंने जो रिसेंटली ये पोस्ट जो है 23 मार्च को पोस्ट की थी, और ये कीवर्ड्स यहाँ पर रैंक हो चुका है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना बेनिफिशियल है ये मेरे लिए और आपके लिए भी होगा। और अगर हम इसको ये कीवर्ड को सर्च करते हैं तो ये कीवर्ड्स बहुत ही जल्दी रैंक हो गया। तो ये देखिए आप, सेवन बेस्ट यूट्यूब अल्टरनेटिव साइट्स बाय रैंक, तो ये कीवर्ड्स टॉप 10 में आ चुका है। विद इन ए वन वीक और 2 वीक में आपका कीवर्ड्स आ सकता है। इसके पीछे और भी बहुत सारे रीजंस रह सकते हैं, फैक्टर्स रह सकते हैं कि आपका डीए क्या है, आपका पेज रैंक क्या है। इसके अलावा रैंक मैथ में ये जो फीचर्स है, ये डैशबोर्ड है रैंक मैथ का, इसमें जर्नल सेटिंग है, टाइटल मेटा सेटिंग्स है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले भी मैंने वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि इसको इंस्टॉल कैसे करें। सो यहाँ पर इन्होंने कुछ फीचर दिए हुए, 404 मॉनिटरिंग ऑन रखा है। देखिए एडवांस कस्टम फील्ड के लिए भी इन्होंने ऑप्शन दिया है, अगर आपका एडवांस कस्टम फील्ड है उसको ऑन कर सकते हैं। एक्सेलेरेटर मोबाइल पेज के लिए भी इन्होंने दिया हुआ है, इसको भी ऑन कर सकते हैं। एंड बीबी प्रेस के लिए है, बड़ी प्रेस के लिए है, लिंक काउंटर है, एंड लोकल एसईओ है, रिडायरेक्शंस है। ये सब इनके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, या छोटे छोटे प्लगइन्स के फॉर्मेट है, मॉडल्स है, जिसको आप ऑन कर सकते हैं और आप प्रॉपरली ऑन पेज एसईओ का बेनिफिट उठा सकते हैं। देखिए ये वूकॉमर्स को भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा आप जर्नल सेटिंग में देखेंगे तो जर्नल सेटिंग बहुत ही सिंपल है। ये यहाँ पर इनका पूरा सेटिंग्स दिया हुआ है, इमेज के लिए ब्रेडक्रम्ब, वेब मास्टर टूल्स एंड रोबोट्स, एचटीएक्सएस को भी एडिट कर सकते हैं, 404 मॉनिटर भी इसी प्लगइन के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पर देखना है और पढ़ना है। स्ट्रिप कैटेगरी बेस आपको ऑन रखना है, नहीं रखना है, रिडायरेक्ट अटैचमेंट को ऑन करना है, नहीं करना है, स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करना है परमालिंक से या नहीं करना है, वो सब सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक जितने भी होंगे उनको नो फॉलो आप असाइन कर सकते हैं, नो फॉलो इमेज लिंक कर सकते हैं, और काफ़ी सारे इसमें फीचर्स हैं। एंड ओपन एक्सटर्नल लिंक इन न्यू टैब, यहीं से आप असाइन कर सकते हैं, आपको एडिशनल प्लगइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया आपका इमेज की कुछ सेटिंग्स है। इमेज में आप ऑटोमेटिकली टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, सॉरी इमेज में एल्ट एंड टाइटल टैग आप डिफाइन कर सकते हैं। देखिए एल्ट टैग आप ऑन कर सकते हैं एंड टाइटल टैग भी आप ऑन कर सकते हैं। ये होगा आपका साइट वाइड। ब्रेडक्रम्ब है, वेब मास्टर टूल है, वेब मास्टर टूल को आप कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही वेरिफिकेशन का सिंपल मेथड है, यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है और आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलोअप करते जाना है। बिंग वेब मास्टर टूल को आप कनेक्ट कर सकते हैं, बैदू को कर सकते हैं, एलेक्सा, वाई इंडेक्स और पिनरेस्ट, एंड इसके अलावा भी और आगे इनका डेवलपमेंट चालू है। तो ये कुछ फीचर्स हैं। इसमें जो एक डिफ़िकल्टीज आती है, जो मुझे भी आई थी, आपके होम पेज पर आपको एसईओ स्कीमा मार्कअप को डिसेबल करना है, वो मुझे एक प्रॉब्लम्स आई थी। और इसके साथ साथ इनका फेसबुक पर बहुत ही एक्टिव ग्रुप है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है आप फेसबुक पे उनकी ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे क्वेश्चन करिए, और वहाँ पे आपको कम्युनिटी की तरफ से बहुत ही अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट भी मिलेगा। एंड सर्च कंसोल भी है, आप सर्च कंसोल को भी ऐड कर सकते हैं अपना, और इसको ऑथराइज करना रहता है आपको। और सर्च कंसोल का मैं यहाँ पर आपको एक ये फीचर्स दिखा देता हूँ कि किस तरह से सर्च कंसोल यहाँ पर पूरा वर्क करता है। सो ये ओवरऑल लास्ट 30 डेज का मेरा एनालिटिक्स रिपोर्ट्स है सर्च कंसोल की तरफ से, सॉरी सर्प का रिपोर्ट है कि कितना क्लिक्स आए हैं, कितने इम्प्रेशन हैं, कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है, वो सब सारी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपको यहीं से मिल जाती है। और दूसरा फीचर एसईओ एनालाइज का, जो मैंने आपको बताया था कि आपकी वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या वार्निंग्स है, सो वो भी आप यहीं से देख सकते हैं पूरा, कहाँ पर आपको इम्प्रूव करना है, कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट का पॉसिबिलिटीज है। तो ये सब सारी फीचर्स आपको एक प्लगइन में मिलेगा, इससे अच्छा प्लगइन मुझे नहीं लगा। मैं इसको देता हूँ 10 ऑफ 10 मार्क। तो दोस्तों ये है हमारे वीडियो का एंड, और यहीं पर आपको अभी बताना है नीचे कमेंट्स करके कि आपको ये प्लगइन कैसा लगा और क्या ये प्लगइन योस्ट प्लगइन को ओवरटेक कर पाएगा, और आपका बेस्ट फेवरेट प्लगइन कौन सा है। दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो. हैव अ नाइस डे. गॉड ब्लेस यू. गुड बाय.